Bang, bang. देने का समझा गया? लॉकी ज़्यादा सुनता नहीं। ए, छोड़ उसको। एक फाइट क्या जीत गया? अपने आप को हीरो समझने लगा है? बाकी है ना एक फाइट। ए रवि कॉल कर उसको। लॉकी का प्राइस। लॉकी का प्राइस। लॉकी का प्राइस। ऊपर क्या कर रही है तू? चल 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 चल। अरे लेट हो रहा है, तू मेरे को पास्कल का पता बताने वाली थी ना। ओ भाई साहब, नीचे उतारो ना उसको, लेट हो रहा है। चल रघु बेबी। बैंग बैंग। जैकेट भी नया है भाई, को दर्द भी बहुत होगा। सही कहा ना भाई? नहीं जैकेट ना। बचा। बैंग बैंग। पहले पास्कल का पता लगाएं। After Pascal then.
हेलीकॉप्टर निकला कि नहीं? हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा अभी तक। अरे कितनी है? खबरदार! I'll shoot her. राजा साहब, आप शिमोना को छोड़ दीजिए। राजा साहब, और कितने खून करोगे आप? बेटी है वो आपकी। ब्लड, यही तो सब की वजह है। 700 सालों से धनराज खानदान ने अपने खून को शुद्ध रखा, किसी गंदे खून की मिलावट नहीं होने दी उसमें। लेकिन रमोना ने सब बदल के रख दिया। मतलब हमारे दुश्मन और उस गन्ने खून वाले सिद्धार्थ मेहरा के साथ भाग जाना चाहती थी। कैसे बर्दाश्त करते हम ये सब? इसीलिए उसे इसकी कड़ी सजा दी हमने। मनीषा को भी इसके बारे में सब पता लग गया था, वो भी इसके दोस्त के साथ भाग जाना चाहती थी। इसीलिए उसे ठिकाने लगाया हमने। तुम दोनों का इंसाफ भी हम जरूर करेंगे। पता है लोग मरने से पहले अक्सर क्या सोचते हैं? मास्क के पीछे कौन होगा? रोहन, what the fuck? डैड ने बोला था मेरा अंडरकवर है, एक्सपोज कर देगी। पर फिर भी आई लव्ड यू, आई रियली लव्ड यू। ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं मानना चाहता था। मैं रघु, क्यों? रोहन क्यों?
रमोना, रमोना जानती थी कि उस मेहरा से प्यार करना गलत है, फिर भी उसने किया क्यों? और वो ये भी जानती थी कि इसकी सजा क्या है। तो बस डैड ने सजा तय की। कैसे? मैं जानता था कि उस पार्टी की रात रमोना और वो सिद्धार्थ, रमोना और वो सिद्धार्थ भागने वाले। मैंने उनका पीछा करके उनको मार भी दिया। लेकिन वो रमोना नहीं, कोई रूबी नाम की लड़की निकली है। ब्लडी जर्नलिस्ट अजय, रॉयल फैमिली को एक्सपोज करने का शौक था उसे, इसलिए मुझे रघु को स्टॉक करना पड़ा। पहले गार्डन में सबूत गाड़े और फिर रघु और अजय के हैंगआउट प्लेस फोर्ट में कमीने ने मटेरियल छुपाया हुआ था राजा जी के अगेंस्ट। बट नो वरीज, लेट बट नॉनदलेस राइट। पांच साल बाद मैंने उसका पीछा करके उसको फिर से मार दिया और उस सिद्धार्थ को भी जिसने उसकी भागने में मदद की थी। और मैंने सिद्धार्थ के सर्वेंट क्वार्टर्स में अपने कपड़े छुपाकर सारा इल्जाम सिद्धार्थ के सर पे डाल दिया। But you know, मेरा, I always thought कि you and I ग्रेट डे।